हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई है BA BSc फिफ्थ सेम की बुक्स ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हम कर रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक समझाए थे, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। आई होप कि आप सब ने वो वीडियो देख ली हो और आपको समझ में भी आ गया हो। तो अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। चार थ्योरम्स हैं, चार की चार आज हम इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है। इससे पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको ग्रुप की डेफिनेशंस पता होंगी, और जो ग्रुप की वो थी ना इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उनकी नोटेशंस जो थी, उनकी डेफिनेशंस जो थी, मतलब जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो सब आता है तो ये आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है। अगर जी स्टार आपके पास एक ग्रुप है तो आपको पता है कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है और एक ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रूव करो कि वो यूनिक है, मतलब किसी भी ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है और एक ही इनवर्स हो सकता है। हमें ये बात पता है, हम प्रूव करेंगे। और कभी भी हमें कोई ऐसी चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो एक ही है, यूनिक है, तो हम उससे अपोजिट लेके चलते हैं कि वो, मान लो कि वो दो हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अब मेरे को शो करना है कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है। मैंने मान लिया कि E1 और E2 कोई भी दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स भी हैं, ग्रुप के अंदर बिलोंग तो करेंगे ही, और आइडेंटिटी एलिमेंट है। ध्यान रखना कि E1 और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो वो एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली है उस ग्रुप का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे किसकी डेफिनेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। क्या होती थी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, कि अगर ई किसी भी ग्रुप जी ग्रुप का आइडेंटिटी है और ए उस ग्रुप का कोई एलिमेंट है, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और ई स्टार ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन हम यूज़ करते थे ना। देखो क्या डेफिनेशन हुआ करती थी, कि अगर ए बिलोंग करता है जी में, ठीक है, और ई क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, एंड ई स्टार ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि E1 और E2 क्या है, दो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके, ग्रुप जी के। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हैं तो ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट भी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार E1 को तो सिंपल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक बार E2 को सिंपल एलिमेंट और E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे यही किया। देखो अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, और E2 आपका एलिमेंट है जो जी में से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे यही वाली डेफिनेशन लगाएंगे। E1 तो आइडेंटिटी है, E1 यहाँ पे क्या हो गया आइडेंटिटी, और एलिमेंट क्या है E2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि E1 स्टार E2 किसके इक्वल होगा, E2 के इक्वल होगा, और E2 स्टार E1 किसके इक्वल होगा, E1 के इक्वल होगा। आइडेंटिटी का एलिमेशन डेफिनेशन लगा दी। E स्टार A, E कौन है यहाँ पे, आइडेंटिटी क्या है ये, E स्टार A इज इक्वल्स टू A एंड A स्टार A इज इक्वल्स टू A। तो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लगा दी। दूसरा, अब मैंने E2 को आइडेंटिटी कंसिडर कर लिया और E1 आपका एलिमेंट है, तो यहाँ पे अब E1 स्टार E2 E1 के इक्वल, और E2 स्टार E1 E1 के इक्वल। यहाँ पे कौन है, E2 आइडेंटिटी है, और यहाँ पे कौन था, E1 आइडेंटिटी है। ओके, तो ज़रा यहाँ से देखो क्या चीज़ मिल रही है आपको। E1 यहाँ, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो E2 स्टार E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल, और यहाँ से E2 स्टार E1 किसके इक्वल है, E1 के इक्वल। ये वैल्यू इसके भी इक्वल है और ये वैल्यू इसके भी इक्वल, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, E1 और E2 इक्वल है। यहाँ से भी देख लो, E1 स्टार E2 E2 के इक्वल है, E1 स्टार E2 E1 के इक्वल है, तो इसका मतलब E1 और E2 इक्वल है। तो अगर E1 और E2 इक्वल है, E1 और E2 लेट क्या किए थे, आइडेंटिटी एलिमेंट दो, वो दोनों ही एक नंबर बन गया, एक एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बट वो यूनिक होगा, इट कैन नॉट बी टू, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इनवर्स वाला केस करेंगे। देखो इसमें भी क्या प्रूव करना है, कि इनवर्स आपके क्या होते हैं, मतलब यूनिक होता है, तो इसमें भी मैं मान के चलूँगी कि यूनिक नहीं है, दो इनवर्स हैं। मैंने ए कोई भी एलिमेंट मान लिया ग्रुप जी का, और मैंने इस ए के दो इनवर्स मान ली, B1 एंड B2 मैंने क्या मान लिए, इसके दो इनवर्स मान लिए, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। तो देखो
इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर बी ए का इनवर्स है तो ए स्टार बी किसके इक्वल होता था, ए के इक्वल, एंड बी स्टार ए किसके इक्वल होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, ए का इनवर्स दो है, कौन कौन, बी वन और बी टू। तो इस पे इनवर्स वाली डेफिनेशन लगा दो कि ए स्टार, क्योंकि बी वन इनवर्स है तो ए स्टार बी वन किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और बी वन स्टार ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अब अगर बी टू आपका इनवर्स है तो ए स्टार बी टू किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, और बी टू स्टार ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी की और कुछ भी नहीं किया। अब देखो b1 को आप इस तरह लिख सकते हो b1 star e, क्योंकि e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर b1 5 है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है, तो 5 को 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है ना, तो मैंने b1 को b1 star e लिख दिया। अब इस v e की वैल्यू देखो, e की वैल्यू क्या है, ऊपर से यहाँ से a star b2 है, तो इस e को मैं a star b2 लिख सकती हूँ। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाओ, a star b star c किसके इक्वल होता है, ए स्टार बी स्टार सी, क्योंकि ये ग्रुप है तो हम इस पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब बी स्टार बी वन स्टार ए, बी वन स्टार ए किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, ई स्टार बी टू, तो ई स्टार बी टू क्या होगा, बी टू। हमने लिखा था ना कि बी वन को हम बी वन स्टार ई लिख सकते हैं, तो ई स्टार बी टू कितना बनेगा, बी टू ही बनेगा। ये तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट खुद ही आएगा, तो बी वन किसके इक्वल आ गया, बी टू। B1 और B2 थे क्या, दो इनवर्स A के, बट वो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब A का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यू कैन से किसी भी ग्रुप का इनवर्स यूनिक होगा। क्लियर है, इनमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स की क्या थी, एसोसिएटिव लॉ कैसे यूज़ करना है, बस वही सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ। ठीक है, अब देखो सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम में क्या है, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन ए इनवर्स का इनवर्स इज़ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, वेयर ए इनवर्स स्टैंड फॉर द इनवर्स ऑफ ए, एंड सेकेंड वन इज़ ए बी का इनवर्स इज़ बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, दैट इज़ द इनवर्स ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, और एक बात समझ लेना, अगर कोई दो एलिमेंट हैं उनके बीच में आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड होता है कि उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है। अगर यहाँ तो मेंशन है कि वो मल्टीप्लिकेशन है, अगर मेंशन नहीं भी हो तो वो मतलब ए स्टार बी ही है। अगर ए बी लिख रखा है तो अपने आप समझ जाना कि इसका मतलब ए स्टार बी है। बार बार ये चीज़ें यूज़ करने की बजाय आपको बहुत सी जगह डायरेक्ट लिखा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या शो करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए है। ठीक है, अब ये ग्रुप है, ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए। ठीक है, अब अगर ए एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी ग्रुप में से ही बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स भी ग्रुप का बिलोंग करेगा। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, अगर ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स इनवर्स कैसे लगाते थे हम इनवर्स की डेफिनेशन, अगर बी है इनवर्स ए का तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, और बी स्टार ए किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी जी में से बिलोंग करेगा, और इनवर्स की डेफिनेशन लगा दो कि अगर ए इनवर्स इनवर्स है, यहाँ पे ये इनवर्स है ए का, तो ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, और ए इनवर्स इंटू ए भी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। अब ज़रा ध्यान से देखो ए इनवर्स क्या है, ये तो मैंने इनवर्स की डेफिनेशन लगाई। अब इनवर्स की डेफिनेशन से देखो, सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का इनवर्स होता है ना। अगर यहाँ पे ये लिखा होता सपोज़ कि ए बी इज इक्वल्स टू ई, तो अब क्या लिखते कि बी इनवर्स है किसका, ए का। यहाँ पर क्या है, ए ए इनवर्स है, तो मैं क्या कहूँगी कि सेकेंड एलिमेंट यानी कि ए इनवर्स इनवर्स है किसका, ए का। तो यहाँ से हमने चीज़ प्रूव कर दी कि ए इनवर्स इनवर्स है ए का। समझ में आया आपको मेरी बात, मैंने इनवर्स की डेफिनेशन लगाई है और उससे ये चीज़ प्रूव होगी बस। अब दूसरा देखो कि अगर आप दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करके उनका इन्वर्स करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, पाथ वाले एलिमेंट का इन्वर्स और देन पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए अब ए भी हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई एंड ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू ई, बी बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई एंड बी इन्वर्स बी इज इक्वल्स टू ई। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये आपका
कौन है, एलिमेंट ए है, ये दूसरा है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो एलिमेंट और ये इसका इनवर्स, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रही हूँ, ठीक है। तो देखो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, जब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ए स्टार बी स्टार सी वाला ही केस है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं ना हम एसोसिएटिव लॉ में, तो मैंने इन ब्रैकेट्स को चेंज करके बी बी इनवर्स के साथ ब्रैकेट को लगा दिया। अब बी बी इनवर्स किसके इक्वल था, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल था, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, ई लिख सकती हूँ। अब ए इंटू ई कितना होता है, ए होता है, और ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल के देख रहे हैं किसको, ए बी इंटू दिस और फिर दिस इंटू ए बी। अगर ये दोनों करने से चीज़ें सेम आएंगी, दोनों ई की इक्वल आएंगी, तो फिर हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल है, ए बी का इन्वर्स इसके इक्वल है। यानी कि जब मैं इसका इन्वर्स कर रही हूँ तो मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखो अभी देखो, दोबारा देखो, अभी अपने ये चीज़ निकाली। अब इस वाले को पहले लिखो और इस वाले को बाद में लिखो, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी किस, इसको मैंने एसोसिएटिव लॉ से फिर खोल दिया, ए इनवर्स और ए के साथ ब्रैकेट इकट्ठी रख दी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, ई की इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ई और इंटू बी, ई इंटू बी कितना हो जाएगा बी, बी इनवर्स बी किसके इक्वल है, ई की इक्वल है। तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी की इक्वल आ गई। तो यहाँ से देखिए, ए बी इंटू बी स्टार ए स्टार ई के इक्वल, बी स्टार ए बी किसके इक्वल, ई के इक्वल। यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ये दूसरे वाला एलिमेंट क्या होता है, आपका इन्वर्स होता है किसका, पहले वाले एलिमेंट का होता है ना। यानी कि यहाँ पे ए बी का इन्वर्स कौन है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और हमें ये चीज़ शो करनी थी। इन्वर्स की डेफिनेशन से अगर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई है, तो बी क्या है, ए का इन्वर्स। तो यहाँ पे इस बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए का इन्वर्स। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ए बी। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि ए बी का इन्वर्स क्या है, ये वाला एलिमेंट है। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, इसलिए मैंने इसको ही निकाल के देखा, ए बी इंटू दिस, और एक बार इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। क्लियर है, जो चीज़ आपने क्वेश्चन में दे रखी थी ना, इन दोनों टर्म्स का आपने यूज़ करना यहाँ पर। ओके, एक बार अपने हाथ से खुद करके देखोगे ना, सिर्फ एक बार भी, तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर नहीं हुई हैं तो। अब देखो थर्ड थ्योरम, विच इज़ नॉन एज कैंसलेशन लॉ। क्या कहता है कैंसलेशन लॉ, कि जी कोई ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉज होल्ड इन ग्रुप। कैसे, कि ए स्टार बी अगर इक्वल है ए स्टार सी से, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट में कैंसिल कर सकते हो ए और ए को। इससे क्या इम्प्लाइज होता है, कि बी इक्वल है सी के। और अगर बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए है, तो यहाँ राइट में आप ए से ए को कैंसिल कर सकते हो, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको हम प्रूव करते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग कर रहा है जी में, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। यहाँ पे मैंने लिखा, कंसीडर करके चली मैं, कि ए स्टार बी, ये वाली फर्स्ट चीज़ में गिवन है ना, ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्टार सी के, ये चीज़ गिवन है। मैंने ये चीज़ उठाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग किया किससे, ए के इन्वर्स से। ध्यान रखना कि प्री मल्टीप्लाइंग है या फिर पोस्ट मल्टीप्लाइंग है, क्योंकि इससे आपका आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा प्री और फिर पोस्ट से, क्योंकि ये ग्रुप है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। प्री मतलब क्या होता है, पहले, जो आपको चीज़ ऊपर गिवन है उससे पहले, अगर पोस्ट है तो मतलब इस चीज़ के बाद, ठीक है। तो ए स्टार बी से पहले आपने मल्टीप्लाई किया किससे, ए इनवर्स से, एंड देन राइट हैंड साइड में भी पहले करना है, प्री करना तो मतलब ए इनवर्स पहले। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ए स्टार बी स्टार सी है तो इसको ए स्टार बी स्टार सी कर दो, यहाँ पे भी ए स्टार बी स्टार सी है तो इसको ए स्टार बी और स्टार सी कर दो। ए इनवर्स इनटू ए, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स खुद अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, बाइनरी ऑपरेशन में, तो ई के इक्वल होता है, आपको पता है। ई स्टार बी बन गया, और ये कितना बन गया, ई स्टार सी बन गया, ठीक है। ई स्टार बी कितना होता है, बी, और ई स्टार सी कितना होता है, सी। तो बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। ये केस कौन सा था, जब ए स्टार बी किसके इक्वल था, ए स्टार सी के। तो यहाँ से हमने क्या इम्प्लाइज कर दिया, कि बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सिंपल सा था। दूसरे में देखो, दूसरे में हम ये चीज़ लेके चले, और इसमें हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया किससे, ए इनवर्स से। पोस्ट मतलब बाद में, बी स्टार ए इनवर्स, सी स्टार ए इनवर्स।
ये क्या है ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे क्या है ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको मैंने लिख दिया ए स्टार बी स्टार सी। एन टू ए इनवर्स इज अगेन ई, एन टू ए इनवर्स इज अगेन ई, बी इन टू ई इज बी एंड सी इन टू सी ई इज सी। तो हम ये लेके चले थे और बी और सी इक्वल आ गए तो हमारी राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव हो गई। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ होंगी। क्वेश्चन में ऐसे स्टेट अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करके इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो थ्योरम नंबर 4 लास्ट थ्योरम है। क्या है इसमें, इफ़ जी डॉट इज अ ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी द इक्वेशन ए डॉट एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वाई डॉट ए इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी। ए बी कोई दो एलिमेंट है जो कि जी में से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन है कि ए इंटू एक्स तो बी के इक्वल है और वाई इंटू ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इनका जो सोल्यूशन होगा ना वो यूनिक होगा किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, किसमें, ग्रुप में। दिस इज द क्वेश्चन। एक तो सोल्यूशन भी निकालना है और फिर उस सोल्यूशन को यूनिक भी शो करना है। ठीक है, तो देखो अगर ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी ऊपर भी हमने चीज़ करी, तो अब मैंने वही लिखा है कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, और ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी गिवन है, वही चीज़ हमने लिखी है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए इनवर्स से। देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी तो गिवन था, प्री मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए इनवर्स से, और यहाँ पे भी ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए इकट्ठा हो जाएगा ना। देखो ये चीज़ है, फिर आपने एसोसिएटिव लॉ लगा के ए इनवर्स ए को इकट्ठा रख दिया और डॉट इंटू एक्स कर दिया। यहाँ पे तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि दो एलिमेंट है, ए इनवर्स ए, अभी देखा हमने किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो मैंने इसको ई के इक्वल लिख दिया इंटू एक्स, और यहाँ पे तो ए इनवर्स चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, ई इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स बी, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी किसका सोल्यूशन हो गया, इक्वेशन का, क्योंकि हम ये इक्वेशन लेके चल रहे थे ना, एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को निकालेंगे और फिर इनके सोल्यूशन का यूनिक दिखाएंगे। वाई के लिए देखो, वाई का क्या दे रखा है, वाई इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ये दे रखा है प्री। अब यहाँ पे क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे इससे ए इनवर्स से, तो वाई इंटू ए डॉट ए इनवर्स हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा रखोगे, ये दोनों इकट्ठा रखोगे तो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, वाई इंटू ए किसके इक्वल हो गया, वाई के, तो वाई की वैल्यू आ गई। तो एक्स और वाई के सोल्यूशन तो मुझे मिल गए, एक काम तो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि यूनिकनेस, ये सोल्यूशन कैसे हैं यूनिक। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, ए एक्स इंटू ये वाली इक्वेशन के लिए इसके दो सॉल्यूशन मान लिए, एक्स वन और एक्स टू इसके दो सॉल्यूशन मान लिए। ठीक है, तो अगर दो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन क्या थी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, मैं कह रही हूँ कि एक्स वन और एक्स टू सॉल्यूशन है, तो ए इंटू एक्स वन भी बी के इक्वल होगा और ये इंटू एक्स टू बी के इक्वल होगा, ये टर्म भी बी के इक्वल और ये टर्म भी बी के इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ऐसे। फिर हमने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया किससे, ए इनवर्स से, लिख नहीं रखी लाइन, समझ में आ रही देखने से, ए इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा रखा और हमने इन दोनों को इकट्ठा रखा, ए इनवर्स और ए कितना हो जाएगा, ई ए इंटू एक्स वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई इंटू एक्स टू। अब देखो यहाँ पे हम क्या, ई इंटू एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वन, और ए इंटू एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टू के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ही सॉल्यूशन जो मैंने माने थे वो एक बन गए, तो इसका मतलब इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यूनिक एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वाई वाला नहीं करके दिखा रखा, आप इसको खुद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो दे क्या रखा है आपको, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या थी, वाई, देखो क्या थी इसमें, वाई डॉट ए किसके इक्वल, बी के इक्वल था। मैं मान लेती हूँ कि वाई वन और वाई टू इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई वन डॉट ए इक्वल टू बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई टू डॉट ए इक्वल टू बी। अब ये दोनों ही बी के इक्वल हैं, तो वाई वन डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, वाई टू डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही वाली स्टेटमेंट थी ना हमारे पास, y डॉट ए इक्वल टू, ठीक है हाँ यही थी। उसके बाद देखिए अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो किससे, अभी हमने इस वाले में किससे मल्टीप्लाई किया था, इसको प्री मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमें a को a इनवर्स के साथ रखना है ना, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, a इनवर्स से, तो y डॉट a है साथ में डॉट a इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक साथ रखो, और y2 डॉट a तो है ही, मैंने डॉट a इनवर्स कर दिया,
एसोसिएटिव लॉ लगाओ, वाई वन डॉट ए डॉट ए इनवर्स करो, तो वाई वन डॉट कितना हो जाएगा ई, ये कितना हो गया वाई वन। यहाँ पे देखो वाई टू डॉट ए इनवर्स के साथ रखोगे तो क्या आएगा ई, वाई टू डॉट ई कितना हो जाएगा वाई टू, तो वाई वन और वाई टू किसके इक्वल, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो जो दो सॉल्यूशन हमने लेट किए थे वो एक ही बन गया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी चार बिल्कुल सिंपल बेसिक थ्योरम्स किसकी, ग्रुप की। आई होप कि आपको क्लियर होगी हो, कुछ पॉइंट अगर रह गया हो ना समझ में आता हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। उसके बाद आपके हैं इस पर बेस्ड एग्जाम्पल, छह एग्जाम्पल है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में टॉपिक समझा चुकी हूँ। देन सेम सिमिलरली जैसे इसकी थ्योरम थी वैसे ही इसकी भी चार थ्योरम्स हैं, जैसे हमने यहाँ चार थ्योरम करी यहाँ पे भी चार थ्योरम है। देन उसके बाद इस पर एग्जाम्पल है और फिर आपका 1.2 का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मेन है आपका, तो फर्स्ट आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है और वैसे भी करना ही है ये तो। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड की यूनिट बनती है ना आपकी, तो फर्स्ट चैप्टर तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी ही, सेकेंड का नहीं पता मुझे भी करवाऊंगी या नहीं, बाद में देखेंगे टाइम बचेगा तो। अगर हम अभी पेपर के हिसाब से आप पूछ रहे हो तो फर्स्ट मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।